और सब्सक्राइब पर देखिए लाल बटन, यहाँ पे बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करते हैं ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिल जाया करे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बंधन बैंक के बारे में, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और मेरा बनाने का मकसद यही था कि मैं ऐसे कुछ बातें बता सकूं आपको एक बैंक के बारे में जिस पर अभी बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि एक साल से भी कम समय, एक साल से ज़्यादा हो गए इसको लिस्ट हुए। तो हम बताएंगे एग्जैक्ट डेट क्या थी लिस्टिंग, और बहुत ज़्यादा पुरानी बैंक नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 साल पुरानी बैंक है, संज्ञान में आई हुई। तो इसके फंडामेंटल भी हम जानेंगे और ये स्पेशल क्यों है ये भी हम जानेंगे, इसका रिटेल बैंकिंग या होलसेल बैंकिंग कैसा है वो भी हम जानेंगे। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जिस प्रकार से इनका मैनेजमेंट है, चंद्रशेखर घोष बाबू जिस प्रकार से इनके MD हैं और उन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस से शुरुआत की थी, बंधन नाम की कंपनी से छोटे छोटे ठेले वालों को, मजदूरों को, महिलाओं को लोन देना शुरू किया और आज इस लेवल पे एक बड़ी बंधन बैंक खड़ी कर दी उन्होंने, तो मुझे मैनेजमेंट वाइज बहुत अट्रैक्ट कर रही बैंक। अभी फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है और बैंकों की सारी स्थिति ख़राब है जे, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से बजट को लेके, कभी कभी RBI के ब्याज कटौती की वजह से, रेपो रेट की वजह से, तो अलग अलग प्रकार के बैंकों पे काफ़ी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल चाहे NBFC कंपनीज हों, चाहे बैंकिंग के हों, या पूरे स्टॉक्स में, पूरे शेयर बाज़ार में लगातार गिरावट का सिलसिला चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही रहेगा, जब भी अच्छा समय आएगा, जब भी अच्छे दिन आएंगे, तो सबसे तेज़ भागने में, सबसे तेज़ रिटर्न देने में बंधन बैंक को मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने नोटिस किया है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और हम इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे, Q1 के भी आ चुके हैं। तो आइए आगे बात करते हैं हम कि वर्तमान स्थिति क्या है। बंधन बैंक लिमिटेड है, 485 रुपये पे आ चुका है, काफ़ी गिर चुका है। आज भी इसमें 15 रुपये की गिरावट है, जुलाई 23, 2019 1:19 है, और जो इसने हाई बनाया था 741 साल का और लो 485, तो काफ़ी टूट चुका है अपने हाई से। और अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो 59,809 करोड़ का एक लार्ज कैप बैंक है और फेस वैल्यू अभी भी 10 की है, और देखिए लिस्ट हुई थी 27 मार्च 2018 को। 6 महीने में जो रिटर्न अभी भी दिख रहे हैं इतनी गिरावट के बावजूद, वो 18% के आसपास हैं, और एक साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 28% का लॉस है, नुकसान है, यानी नेगेटिव रिटर्न है। पी रेशियो है 27.54 की, EPS है, अर्निंग पर शेयर 18.20, और प्राइस टू बुक है 5.17, डिलीवरी इसमें 35% का है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और बंधन बैंक के हम रिजल्ट्स देखते हैं किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ और चीज़ें बता दूं, जैसे कि इन्होंने डिविडेंड जो पे किया था 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 20 जून 2019 को, और रिटेल बैंकिंग से 86%, यानी 87% के आसपास, 86.94% की, ये मुझे बहुत आकर्षक लगता है। क्या होता है कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि अन्य वीडियोज़ में बैंकिंग के जब भी मैं स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, कि देखना हमें यह चाहिए कि जो कॉरपोरेट लोन्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देना, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देना, तो उसमें थोड़ा सा डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हालिया आपने देखें कितने बैंकों के NPAs बढ़े हुए थे, या सरकारी बैंकों में भी अगर देखा जाए तो कितने सारे लोगों ने उनके पैसे लेके विदेश भाग गए, या फिर आपने सुनी होगी न्यूज़, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो लेकिन रिटेल लोन्स में क्या होता है कि जनरली बहुत कम गुंजाइश होती है, छोटा आदमी लेता है तो वापस करता है, अगर नहीं भी हुआ तो बहुत कम लोन लिया होता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 में से 2 लोगों ने नहीं पे किया तो चलो ठीक है। ट्रेजरी से आती है जो इनको 10.15%, और होलसेल बैंक इनका बहुत कम है 2.5%, तो ये सही है मेन इनका जो, और 2014 को, मतलब हाँ करेक्ट, मैंने सही बोला था, ये है बैंक संज्ञान में आया, प्राइवेट बैंक है। और इनके फाइनेंशियल भी हम देख ही लेते हैं। देखिए मार्च 2019 और जून 2019 में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो अर्निंग हुई है मार्च 2019 में जो थी 1832 करोड़ के आसपास, वही जून 2019 में हो गई 2120 करोड़ के आसपास, यानी 15.71% की अपसाइड है, एक ज़बरदस्त। अच्छा, समझने वाली बात क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको रिटर्न कैसे बनेगा, आपको रिटर्न ऐसे बनेगा, कंपनी हो, कोई बैंक हो, अगर वो कमा रही है, अगर उसको उसको प्रॉफिट आ रहा है, उसका मार्जिन आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक प्राइस भागेगा ही भागेगा। कंपनी कमा रही है तो आप भी कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखिए 4.71% की अपसाइड है, NPA भी इनका कम हुआ है, ग्रॉस NPA भी कम हुआ है,
और नेट प्रॉफिट 650 करोड़ जो मार्च 19 में था 701 करोड़ हो गया जून 19 में, यानी 7.72% की अपसाइड है, पॉजिटिव है, ये बहुत सही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर जून 18 से जून 19 में कंपेयर करते हैं तो इंटरेस्ट अर्निंग में ज़बरदस्त 36.27% की अपसाइड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 47.17% की अपसाइड है। नेट एनपीए देखिए इनका कम है, एक से कम ही रहता है, और उसमें भी देखिए इसमें नेट एनपीए कम हुआ है और ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में अगेन यहाँ पे जहाँ जून 18 में था 481 करोड़, वहीं सीधे जून 19 में हो गया 701 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर 45.55% की जंप है। तो ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आया इनके फंडामेंटल। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो पता ही है आपको, अभी इनको कम करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि आरबीआई की तरफ से इनको एक गाइडलाइंस दी गई थी, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हों, क्योंकि इन्होंने अभी ग्रह होम फाइनेंस को भी एक्वायर किया है, तो उस वजह से भी इनको HDFC बैंक को, क्योंकि HDFC बैंक की वो सब्सिडियरी थी, तो इनको कुछ होल्डिंग 15% के आसपास देनी पड़ेगी इस कंडीशन के साथ उन्होंने ग्रह होम फाइनेंस इनको दिया है। HDFC बैंक जब इस कंपनी भरोसा कर रही है, दिग्गज बैंक तो प्राइवेट सेक्टर की, तो ऑब्वियसली आप बंधन बैंक को समझ सकते हैं कि क्या है। देखिए म्यूचुअल फंड्स की 16 स्कीम्स हैं और FIIs इसमें 153 हैं, और इंडिविजुअल काफ़ी कम है, हम जैसे खुदरा ग्राहक 1.57% के आसपास है। एनीवेज तो इस तरीके से एक बेहतरीन बैंक के हमने रिटर्न तो खैर अभी एक साल के ही देख सकते हैं लिस्टेड हुई कंपनी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें और किसी प्रकार से गिरावट आती है, अब कितना गिरेगा, गिरता ही जा रहा है क्योंकि पूरे बाज़ार में गिरावट है, तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें थोड़ी थोड़ी हम लोग अगर बाइंग करते रहे इस बंधन बैंक में, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और बैंक भी बहुत सुलझी हुई बैंक मुझे लग रही है, भले ही अभी रिटर्न उतना अच्छा नहीं दे रही, लेकिन आने वाले समय मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, किसी बैंक के साथ अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं मालूम, यस बैंक के साथ क्या चल रहा है अभी हमको भी और भी नहीं मालूम कितना नीचे जाएगा, लेकिन जब भी मार्केट में अच्छा समय आएगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ बंधन बैंक आपको अच्छा रिटर्न क्विकली बना के देगा, और लंबे समय के अगर निवेशक हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा और आपको काफ़ी इसमें रिटर्न भी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों मुझे इन्फॉर्मेशन देने, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।